हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत ही बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। सो आज की ये वीडियो में थोड़ी सी स्पेशलिटी हम आपको देंगे ICS से रिलेटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी ICS से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से इससे मैंने पहले काफ़ी वीडियो से पहले डाली है। लेकिन उसके बाद अभी कल की डेट में बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जिनका नाम है अंसारी साहब ने मुझे SMS किया, जो कि उन्होंने विदाउट ICS अप्रूवल के ट्रेवल किया है मुंबई टू शारजा। उन्होंने ट्रेवल किया है, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है उन्होंने सब कुछ मेरे साथ शेयर किया है बातचीत करके। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ मैं वो शेयर करूँगा, ताकि उनमें से उनका कहना था कि शायद कुछ लोगों की हेल्प हो सके उससे, या कुछ लोगों को मोटिवेशन, या कुछ लोगों को ऐसा लगे कि वो करना चाहें तो कर सकते हैं। तो चलिए उनकी जो है रिकॉर्डिंग को सुनते हैं यहाँ पे, उन्होंने क्या क्या कहा है, ठीक है? उसके बाद में फिर वापस से मिलते हैं, ठीक है जी? जी सर, मैं आ गया। कब आए थे? कल कल यानी 19 को रात में 1:15 की फ्लाइट थी मेरी मुंबई से। मुंबई से थी? जी सर। बेसिकली आप मुंबई से हैं या कहीं किसी अदर स्टेट से? नहीं, जैसे है मुंबई में, अपना घर वगैरह है मुंबई में भी, फैमिली सब मुंबई में ही है। तो मुंबई से फ्लाइट थी आपकी 19 को सुबह? हाँ, सुबह नहीं यानी रात में 1:15 की थी, करीब 3 बजे यहाँ शारजा पहुँचे। अच्छा अच्छा, वो बोर्डिंग मैंने देखा उसका टाइम था। ये आप ट्राई कर रहे थे इसके ICS ग्रीन सिग्नल के लिए, कब से ट्राई कर रहे थे? अरे ICS के लिए तो लगभग मैं तो यहाँ पे यानी छुट्टी यहाँ से गया था मैं जुलाई के एंडिंग में, 31st को। 31st को गया था यहाँ से, वही अपना बकरीद के एक दिन पहले यहाँ से गया था। जिस दिन बकरीद थी उस दिन की मेरी फ्लाइट थी। अच्छा अच्छा जी सर। तो ये मान लीजिए कि काफी दिन से, और अभी अप्रूवल आपको मिला नहीं था, एरर भी आता है ना आपको? एरर भी है जी सर, अप्रूवल मिला नहीं था, ट्राई करते थे काफी। एयरपोर्ट के अंदर का क्या सीन है, चेकिंग पोस्ट कैसे होता है? जैसे बोर्डिंग में ना, मुंबई में बोर्डिंग में काफी लोग, 10 से 15 लोग ने लोग में साइड में रुका के रखे थे। अच्छा। और साइड में जब मेरा अपना वीजा वगैरह जब मेरा देखे तो अबू धाबी का, तो मुझे भी साइड में खड़ा किए। तो फिर एक अपना ऑपरेटर, उसने मेरा चेक किया वगैरह, चेक करने के बाद बोले आपका ICS ओके, बोले आपको मैं बॉडी गार्ड मिल गया। फिर बॉडी गार्ड के, फिर मैंने एक से पूछा भी कि आप लोगों का इशू क्या है, तो एक ने बंदे बताया वो शायद अपना विजिट वीजे का था वो, तो उसने बोला मेरा रिटर्न टिकट का मसला है, इसके लिए मुझे साइड में रोका गया। अच्छा अच्छा। और भी बाकी लोग थे उनको भी रुका के रखा गया था, बाकी लोगों का मसला, तो मुझे इतना पूछा नहीं लोग से, मुझे बोर्डिंग मिला है तो मैं चले गया। एक बंदा और मेरे साथ था, उसका वीजा अलग का था। अच्छा अच्छा। वो भी दोस्त के रिश्तेदार था, वो साथ में आया मेरे, तो उनको भी यानी रोका नहीं गया, उनका भी चेक किया गया, तो उनको भी बोर्डिंग पास दे दिया गया। और फिर हाँ, उनको भी दे दिया गया। उसके बाद शारजा में जब इमिग्रेशन में गए काउंटर पे, तो वीजा वगैरह चेक करने के बाद वो वापस भेजे हमको, एक फॉर्म भरना पड़ा, डिक्लेरेशन फॉर्म भरने, हाँ एक फॉर्म भरना पड़ा, सिर्फ अबू धाबी और आयलैंड वाली के लिए फॉर्म है, बाकी और किसी यानी दुबई का और कहीं का भी उसके लिए नहीं है सर। तो फॉर्म भरे, उसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं था, बस अपना पासपोर्ट नंबर था और मोबाइल नंबर वगैरह था, ज्यादा कुछ लिखा नहीं था। कुल मिलाकर कोई क्वारंटाइन से रिलेटेड फॉर्म होगा, डिक्लेरेशन फॉर्म, राइट? हाँ जी सर। फिर काउंटर पे जाके जमा करना पड़ा इमिग्रेशन में फॉर्म, उसके बाद फिर एयरपोर्ट पे हमारा चेकअप हुआ, कोरोना चेकअप हुआ शारजा पे, शारजा में, फिर वहाँ से हमको छोड़ दिया गया, फिर हम बाहर निकल गए। तो पहले इंक्वायरी का तो पहले ये था कि बस यहाँ से ले जाती थी अबू धाबी बॉर्डर पे, मगर अभी वो लोग ने बस बंद किए हैं, तो अपने खुद प्राइवेट टैक्सी करके यानी हम लोग बॉर्डर पे आए, फिर वहाँ चेकअप हुआ कोरोना का। फिर वहाँ चेकअप करने के बाद फिर गवर्नमेंट की बस आई, और बस में फिर हमको क्वारंटाइन सेंटर लगी, यहाँ पे फिर कोरोना का चेकअप हुआ। फिर चेक करने के बाद फिर यहाँ रूम, हाँ क्वारंटीन में, यहाँ पे भी चेक हुआ कोरोना, फिर उसके बाद यहाँ पे रूम में शिफ्ट किया हमको। अभी यानी कि पूरा प्रोसेस हो गया। अच्छा, आपने पहले मुंबई में चेक करवाया था अपना, ये जो ICS का स्टेटस है आपने चेक करवाया था, रेड आ रहा था?
हाँ वहाँ पे तो कई कई बार चेक किया मैंने, जो साइड लोग ने दिए लिंक उसमें चेक करते थे ना, इसलिए हमेशा रेट बताता था। अच्छा रेट आता था, और एयरपोर्ट पे आए तो वहाँ जी पे आपका जो है वो बोले आईसीए ओके है। हाँ हाँ सर आगे हम आइए। ये कह रहे थे कि मुंबई में रेड आ रहा था और एयरपोर्ट में जो है पक्की आ गई थी, यानी कि वो बोले ओके आई थी आपका। हाँ मैं घर से निकलने से पहले सुबह यानी शाम में निकला हूँ मैं, अच्छा तो सुबह का टाइम चेक किए थे तो रेड ही बताया, मगर अच्छा अच्छा एयरपोर्ट में जब उन्होंने मेरा अपना कोरोना का जो टेस्ट था वो कॉपी चेक किए, उसके बाद जब वीजा देखे तो मुझे साइड में निकाल के खड़ा कर दिए, बोले फिर पासपोर्ट लेके काउंटर में गए लेडीज, फिर जो चेक की तो बोले आपका आईसी ओके, बोले आपको मिलेगा बोर्डिंग बहुत अच्छी बात है, चलिए आ गए हैं बहुत अच्छी बात है। तो अब पास कम से कम आपका ये हो जाएगा, कुछ जी लोगों को उम्मीद हो जाती है कि यार चलो ठीक है कोई तो आया है कम से कम, है ना। जी सर, अभी बहुत सारे यानी आप लोग हैं भाई, मैसेज आप कर समझ नहीं सकते, मैं चैनल रन करता हूँ, मुझे इतने सारे मैसेज आते हैं, लोग इतना परेशान हैं कि कहा नहीं जा सकता, मतलब एक वीडियो जी डालते हैं सर उसके नीचे 1 घंटे के अंदर कितने सारे मैसेज आ जाते हैं सिर्फ इसी से रिलेटेड, यानी कि ऑब्वियस सी बात है लोगों को प्रॉब्लम बहुत है। जी सर, तो बहुत आपके आपके तो परेशानी अभी होती प्रोसेस तो इजी है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वीजा है। नहीं, कोई इजी नहीं, बस वीजा एक्टिव रहना बहुत जरूरी है, एक्टिव रहना जरूरी है, वीजा वीजा एक्टिव एक्टिव रहना, रहना बाकी बहुत जो जरूरी है। कोविड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन है उससे वो भी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग क्या होता है ना कि अगर वापस चले जाते हैं कोविड की वजह से या उनका यानी कि टाइम कम है या फिर उसके अलावा पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम है तो कहते हैं कि नहीं मुझे वापस कर दिया, तो हर चीज़ का अलग मतलब अलग अलग होगा, यानी कि आप जी सर जी सर आईसीए ग्रीन सिग्नल इतना बड़ा इशू नहीं है, अभी काफी लोग आ रहे हैं नहीं मैंने देखा था, और आपसे भी बात हुई मुझे लगा कि चले आपसे बात करनी चाहिए इसलिए मैंने आपके पास फोन किया। जी सर, लगभग ये 2 दिसंबर नेशनल डे जिस दिन था यहाँ पे, उस दिन हमारी कंपनी के लगभग 4 बंदे वो लोग एयर अरेबिया से आए दुबई, अच्छा, तो उन लोग को नहीं छोड़ रहा, उन लोग को यहाँ से डिपोर्ट कर दिया सीधे वापस इंडिया, उनके तो वही मेरे को डर था कि चांस ले रहा हूँ पता नहीं छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, मगर अलहमदुल्ला मेरे को मुंबई में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, शारजा में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ तक आराम से पहुंच गया। जो चांस लिया वो कंफर्म हो गया ना, तो ठीक जी है सर आपकी इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं चैनल के साथ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, नहीं सर, शेयर कर दो तो आप, इससे इससे ये किसी होगा का ना हेल्प कि हो जाए अच्छी बात है। हाँ इससे ये होगा कि नहीं लोगों तक पहुंच जाएगा, आपको तो पता है मेरे चैनल पे जाते हैं देखते हैं लोग कितना फोन करते हैं कॉल जी वगैरह, सर हाँ और डॉक्यूमेंट्स जी सर वगैरह, तो मैं जो है शेयर करना चाहूँगा आपकी इन्फॉर्मेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। जी सर नहीं सर नहीं जी चलिए ठीक है, तो ठीक है अंसारी भाई आप कांटेक्ट बनाए रखते हैं ठीक है ना, तो अभी जी आप सर कुछ कहना चाहेंगे लोगों से, क्योंकि अगर मैं नाम डालेंगे तो आप अपनी तरफ से जो बाकी के लोग हैं जो आपको सुनेंगे। जी सर, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी आने आने वाले अगर आना चाहेगा तो मैं अभी मुंबई गया तो मुंबई से एक बार ट्राई करें, अच्छा, क्योंकि मुंबई में इतनी दिक्कत नहीं आ रही, मुंबई में अगर दिक्कत आएगी तो सिर्फ वीजा जिसका एक्टिव नहीं रहेगा ना उसी के लिए आएगी, और मुझे नहीं लगता कि किसी का वीजा कैंसिल हुआ होगा, सही वीजा बात तो लगभग सभी का एक्टिव होगा अगर है, ये कि एक्सपायर। 31 दिसंबर तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ सर 31 के पहले जो आ जाए अगर वीजा एक्टिव है तो आ जाए आराम से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुंबई एयरपोर्ट भी सर यानी कोई दिक्कत आई नहीं, तो हिसाब से शारजा में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ से एकदम आराम से सन बाहर आ जाए, बस आप हाँ वही शेयर कर दीजिए बस, और क्या करना। हाँ ठीक है ठीक है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। चलिए अंसारी जी फिर आपसे बाद ओके में सर व्हाट्सएप पे बात होती है ठीक है ना। ओके सर ठीक ओके सर, थैंक यू है। सो मच। है तो आप लोगों ने देखा ये वीडियो, कि उनकी आइडियो भी मैंने सुनवाई आप लोगों को कि कैसे कैसे उन्होंने ट्रैवल किया है, तो हमारा कहने का मतलब बस ये था कि जो लोग चाहें वो ट्रैवल कर सकते हैं, और उन्होंने रिस्क लिया तो वो अपने रिस्क पे कामयाब हुए। अब बारी है आप लोगों की, आप लोग क्या करना चाहते हैं, अगर आप आना चाहते हैं तो आप ऐसे करके आप भी आप रिस्क ले सकते हैं, ताकि आपको भी कोई प्रॉब्लम का सामना करना ना पड़े जैसे उन्होंने किया है, उन्होंने सारी चीज़ें शेयर की हैं, आप चाहें तो बात यानी कि पूरी रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बताने का मतलब बस इतना ही था, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो करें, ठीक है, और उसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों की मदद हो सके जिसको इसकी ज़रूरत है। इससे पहले लोगों की रिक्वायरमेंट्स थी लेकिन मैंने पूरी नहीं की थी, और इतना समझ लीजिए कि रिस्क तो है इसमें। ठीक है भाई, इसमें रिस्क है, भरपूर रिस्क है, आप चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप वेट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मेरे कहने का मतलब बस इतना ही था,
कि मेरे यानी कि अंसारी साहब ने शेयर किया तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो कैसा लगा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई इस वीडियो।